व्हाट्स अप हेलो, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम जो है रियलमी XT के लिए जो है एक GK हम देखने वाले हैं जो लगभग यहाँ पे सारी फीचर्स में वर्क कर जाते हैं। तो ये GK जो है यानी TR कैमरा है, ये बेसिकली ये जो है गूगल कैमरे का ही एक मॉडल वर्जन है जो रियलमी XT में जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इस कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ बेसिक सी सेटिंग्स करना है और आप जो इसको बड़े आराम से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना ताकि आप जो है इस कैमरे को एंजॉय कर सके आपके फ़ोन में। तो ये है 7.2 वाला TR कैमरा और ये जो है स्टॉक कैमरे से मुझे अच्छा लगा। वैसे स्टॉक कैमरा भी काफ़ी बेटर है। अगर आप स्टॉक कैमरे से बोर हो चुके हैं तो आप जो है यहाँ पे TR कैमरा यानी गूगल GKM को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेटर पिक्चर आपके फ़ोन में जो है क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं और इसमें जो है आप 44 जूम कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करने से यहाँ पे पिक्सल जो है फटता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मिल जाता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसको आपको कैसे यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से देख के यहाँ पे आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर पाए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक zip फाइल दी है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर आपको 3 फाइल मिलेंगी। एक तो यहाँ पर डेवलपर ने जो दी हुई XML फाइल, कुछ मैंने यहाँ पर एडिट की है मेरी अपनी, और दूसरा यहाँ पर APK फाइल। तो सबसे पहले आपको जो है आपका अगर कोई पुराना GKM इंस्टॉल है तो आपको उसको बैकअप ले ले ताकि अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप जो है इसको इंस्टॉल कर सके दोबारा। वैसे तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं नॉर्मली इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है हमारा TR कैमरा इंस्टॉल। उसके बाद आपको जो है इन्फो में जाना है, ऐप इन्फो में इस कैमरे के, तो वो भी आप देख लेंगे यहाँ पर। इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर टैप करना है इस तरह से और वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा वो वीडियो का ऑप्शन, आपको यहाँ पे सेल्फ़ी और वीडियो जो है दिखाई देगा। तो वीडियो पे जाइए और यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिए जो सारी परमिशन ये मांगता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स में जाना है ऊपर और आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लेना है ताकि आप जो है सेव XML कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर क्रिएट कर सके। अगर आप जो है पहले से XML को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इसको आपको कैसे यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो है टैप करिए और कोई भी नेम को आप यहाँ पे जो है टाइप कर लीजिए, जैसे कुछ भी यहाँ पे, और सेव कर लीजिए। इसके बाद आपके फाइल मैनेजर में जो है एक फ़ोल्डर यहाँ पे जो है बन जाएगा जो है GKM का, और वहाँ पे आपको जो है 3 फोल्डर दिखाई देंगे GKM फोल्डर में। तो उसमें आपको जो है जाना है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 7 वाला आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा और आपको जो है जो डेवलपर ने यहाँ पे XML फाइल दिया है आपको उसको वहाँ पे जो है पेस्ट या फिर जो है कॉपी कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद आपको जो है बैक कर लेना है और ये फाइल जो है मैंने बनाई है जो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो दोनों में से आपको जो बेटर लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर से हमें कैमरे के आइकॉन पर टैप करना है, वीडियो में जाना है और इस स्पेस पर आपको एक टैप करना है। उसके बाद आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का जो है एक मैसेज दिखाई देगा और यहाँ पर आप जो है इसमें से फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेना और इसको रीस्टोर कर लेना। यहाँ पे परफेक्टली आपके फ़ोन में ये कैमरा वर्क कर जाएगा और आप जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं, सेचुरेशन हो या फिर शाडो हो या फिर जो भी एक्सपोजर लेवल वगैरह आप जैसे यहाँ पे रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। स्लो मोशन यहाँ पर वर्क नहीं करता है, वाइड एंगल भी यहाँ पर वर्क नहीं करता है और उसके अलावा यहाँ पर टेलीफोटो जूम वगैरह नहीं करता है। यह पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटो है जो मैंने इससे ली है। बूके यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है ओवर सैचुरेट लग सकता है, लेकिन आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ये कैमरा ऐप काफ़ी अच्छा है रियलमी XT के लिए और भाई ये जो है काफ़ी मेहनत के बाद मिला है, क्योंकि इसके लिए जो है कैमरा देखना यानी GKM बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस फ़ोन के लिए कोई ढंग का कैमरा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप मुझे ज़रूर बता देना नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे बनाया जाए, क्योंकि हम जो है रेगुलर वीडियो जो है आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।